प्रिय छात्रों नमस्कार, आरसीआई डिफेंस एकेडमी बानसुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरसीआई डिफेंस एकेडमी बानसुर में भारतीय सेना से संबंधित विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। 12वीं क्लास करने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी छात्र या पेरेंट्स माता पिता के मन में यही होता है कि 12वीं के बाद अपने बच्चे को कराया क्या जाए। सबसे पहला प्रश्न है, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाए, जैसे आईआईटी की तैयारी कराई जाए, नीट की तरह तैयारी कराई जाए, या फिर किसी डिफेंस एकेडमी की तैयारी। दोस्तों, डिफेंस एकेडमी के बारे में बहुत कम ज्ञान होने की वजह से लोग क्या एक ही तरीके की तैयारी करते हैं। इनमें मैं आपको बताऊं कि 12वीं पास किया हुआ बच्चा तकरीबन 14 प्रकार की भर्तियाँ भारतीय सेना में देख सकता है। उसमें इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं हम लोग, उसमें मेडिकल कोर में भी जा सकते हैं, और उसमें बहुत सारी वैकेंसी जो होती है मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि 12वीं पास करने के बाद में 6 महीने या साल भर के अंदर नौकरी लगने की बात। देखिए, यदि हम आईआईटी की तैयारी करते हैं तो तकरीबन हमें लगभग 6 साल की तैयारी करने के बाद हमें हमारे जॉब का कहीं कुछ सॉल्यूशन होता है। यानी 6 साल तो हमें अपनी पढ़ाई को देना है, लगभग 15 से 20 लाख रुपये भी खर्च करने हैं। जबकि भारतीय सेना में यदि हम लोग इस तरीके की किसी पोस्ट को ज्वाइन करते हैं कि विद इन 6 मंथ हमारी ज्वाइनिंग हो जाए और उसके बाद हमारी सैलरी स्टार्ट हो जाए, और इस तरीके से बहुत सही कैरियर शुरू हो जाता है, तो मैं आपको एक एक एग्जाम के बारे में बहुत ब्रीफली बहुत अच्छे से आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि एक NDA, 12वीं पास करने के बाद में जो एग्ज़ाम होता है NDA। दोस्तों, NDA जो एग्ज़ाम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, 12वीं पास करने के बाद में एक डिफेंस में नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम होता है, एक्चुअली ये 4 साल का कोर्स है। इसमें क्या है, जैसे सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम देते हैं 12th के पास में, और उसके बाद में 4 साल का कोर्स है। इसमें 3 साल की जो ट्रेनिंग होती है, स्टार्टिंग ट्रेनिंग होती है 3 ईयर्स की, ये होती है आपकी पुणे खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में इसकी तैयारी होती है। उसके बाद में 1 ईयर की जो ट्रेनिंग होती है, ये होती है IIM देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। दोस्तों, ये 4 साल की तैयारी होने के बाद, यानी कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, आप एक लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन पाते हैं, यानी एक ऑफिसर पोस्ट है। ओके, सबसे पहले हम बात करें कि देखिए, 12वीं के पास में, 12वीं में जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं बच्चे, जिनकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स बेसिकली 2 सब्जेक्ट हैं जो कोर सब्जेक्ट हैं, इन पे बहुत अच्छी कमांड होती है और परसेंटेज भी ठीक होती है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स NDA के लिए अपॉइंट करते हैं अपने बच्चे को। देखिए, यदि आप NDA की तैयारी करते हैं तो NDA की तैयारी के बेस पे, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ NDA प्रिपरेशन, यू कैन गॉट द 14 वैकेंसीज इन डिफरेंट फील्ड्स। ओके, अब सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में यदि आप बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, अन्यथा इसी से संबंधित जो कोर्स इसका होता है उसी से संबंधित कोर्सेज और भी हैं, नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी में बहुत सारी फील्ड्स होती है, उसके बाद BSF होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कोर सब्जेक्ट जो होते हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल स्टडीज, जिसे GK जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस आप जनरल स्टडीज कह सकते हैं, और इस तरीके से जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो 300 मार्क्स का पेपर होता है मैथमेटिक्स का, ये बहुत जरूरी होता है NDA के एग्जाम के लिए, बाकी सब अलग अलग डिवाइडेड है। उसके बाद आपकी इंग्लिश, ठीक है, बेसिक कन्वर्जेशन आपका इंग्लिश में आना चाहिए, बेसिक में, बेसिक जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप टास्क होता है इसमें, इस तरह डिफरेंट टाइप्स के आपका एक कम्युनिकेशन स्किल जिसे बोलते हैं वो भी हल्की फुल्की होनी चाहिए। NDA के एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन करते हैं उसके बेसिस पे भी आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम को लेता हूँ। सबसे पहले NDA का मैंने एग्जाम आपको बताया, इसके बाद में एक होता है नेवी। देखिए दोस्तों, हम लोग हमारा जो जिस तरीके से देहात में हम लोग ज़्यादातर 99% लोग, जैसे ही मैं लोगों से मिलता हूँ या किसी भी इंस्टीट्यूट वाले किसी से भी मिलते हैं, जनरली वो जानते हैं कि आर्मी में जाना है, इसका मतलब जनरल ड्यूटी GD, यानी आर्मी में फौजी बनना है, यानी कि जनरल ड्यूटी सोल्जर बनना है। देखिए,
यदि कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स से है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है सेना में, यदि कोई किसी स्टूडेंट की इंग्लिश बहुत अच्छी है उसके लिए अलग व्यवस्था है। आप जिस तरीके से सिविल डिपार्टमेंट्स की तैयारी करते हैं उसी तरीके से सेना में भी ये व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए उसके बाद हम लोग लेते हैं नेवी। देखिए दोस्तों नेवी की जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, सबसे पहले एक एग्जाम होता है इसका SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। SSR का एग्जाम आपका नेवी के एग्जाम के बेस पे नेवी का फॉर्म भरेंगे, उसमें ऑप्शंस पूछेंगे आपसे, तो आप SSR की तैयारी कीजिए या फिर AA की तैयारी कीजिए, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की तैयारी कीजिए, और या फिर आप CG कोस्ट गार्ड की तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसमें MR भी होता है, मैट्रिक रिक्रूटमेंट, ये चार तरह की वैकेंसी आपको नेवी में मिलती है। और यदि आप एयरफोर्स का फॉर्म भरते हैं, तो एयरफोर्स में देखिए दोस्तों X ग्रुप और वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दो ग्रुप होते हैं। देखिए एयरफोर्स में जो भी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहली बात जो है एयरफोर्स की, वो सबसे पहली बात है कि एक्स ग्रुप का जो फॉर्म भरते हैं वो PCM वाले बच्चे होते हैं, ओके। और वाई ग्रुप जो होते हैं इसमें अभी जितने भी लोग होते हैं नॉन टेक्निकल, यानी कि जो बच्चा कॉमर्स से है आर्ट से है वो सभी लोग भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि NDA का एग्जाम कोई भी दे सकता है, यानी कि आर्ट्स वाला बच्चा भी दे सकता है, कॉमर्स वाला भी दे सकता है, बायो वाला भी दे सकता है, एग्रीकल्चर वाले भी दे सकते हैं, सब लोग दे सकते हैं। हाँ, लेकिन नेवी के एग्जाम में कुछ पोस्टें जैसे SSR और AA ये PCM वाले बच्चे देते हैं, एक्स ग्रुप का एग्जाम PCM वाले बच्चे देते हैं, वाई ग्रुप का एग्जाम सब दे सकते हैं, ओके। तो नेवी और एयरफोर्स इसका जो सिलेबस है, जैसे NDA का सिलेबस थोड़ा सा डीपली आता है और एयरफोर्स का जो सिलेबस है वो भी लगभग ये मान लीजिए कि NDA का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उसमें आता है, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्मी। देखिए दोस्तों आर्मी के बारे में बहुत ब्रीफ नॉलेज होता है लोगों को, मैं आपको बताता हूँ कि आर्मी में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती है। सबसे पहले 12th के बाद में आर्मी में यदि आपको इंजीनियरिंग, यदि मान लो आप सिविल से इंजीनियरिंग करिए, सपोज कर आप IIT से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप भारतीय सेना से इंजीनियरिंग कीजिए, उसमें आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, आपको उसके साथ 40,000 से 50,000 पेमेंट भी मिलेगी और साथ में आप एक आपकी सर्विस भी चलती रहेगी। तो आर्मी में एक टेक्निकल पोस्ट के बारे में बताता हूँ आपको, ये है आर्मी टेक्निकल। आर्मी टेक्निकल उसके बाद में यदि आपको मेडिकल कोर में जाना है आर्मी में तो आप तैयारी कीजिए नर्सिंग असिस्टेंट, यदि आपको क्लरिकल पोस्ट पे जाना है तो आप प्रिपरेशन कीजिए आर्मी क्लर्क, और यदि आपको मल्टीपल ऑप्शनल जैसे एक एग्जाम होता है आर्मी ट्रेड्समैन, ठीक है, आर्मी टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी क्लर्क, आर्मी ट्रेड्समैन, और जनरली जो आप ज्यादातर सुनते हैं हमारे गांव देहात में जो ज्यादातर लोग अपॉइंट होते हैं वो होते हैं आर्मी GD जिसको बोलते हैं जनरल ड्यूटी सोल्जर, ठीक है। इसमें 10th पास कैंडिडेट होना चाहिए, बाकी ये सब 12th, ये जो है ये पोस्ट ये 12th पास बच्चों के लिए है और ये बहुत अच्छी पोस्ट है आर्मी में। और उसके बाद में देखिए यदि आप BSF ज्वाइन करना चाहते हैं तो BSF में भी दो बहुत अच्छी पोस्ट होती है, एक होता है BSFRO BSF रेडियो ऑपरेटर और एक होता है BSF रेडियो मैकेनिक BSFRM BSF रेडियो मैकेनिक। तो इतनी तरीके की पोस्ट है, आप देखिए लगभग मैंने आपको 14 वैकेंसी बताई हैं। देखिए यदि मान लो सपोज आप JEE की तैयारी करते हैं, आप किसी भी तरीके से आप JEE की तैयारी करते हैं, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है भाई JEE की आप तैयारी करें या फिर नीट है तो आप उसकी तैयारी करें, ओके। आपको यहाँ पे यदि आप एक टाइप का सिलेबस क्रिएट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो आपको एक ही 6 महीने के अंदर 14 वैकेंसी मिलती हैं। देखिए दोस्तों सबसे बढ़िया जो फायदा है सेना में, सेना भर्ती एग्जाम्स का, वो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये सारे के सारे एग्जाम्स होते हैं बिल्कुल पिन पॉइंट टाइम पे होते हैं, इनकी ज्वाइनिंग टाइम पे होती है, एग्जाम टाइम पे होता है, सिलेबस फिक्स है, यानी हर चीज इतनी बढ़िया तरीके से शेड्यूल ढंग से आपकी ज्वाइनिंग होती है, और आपके आप जिस दिन से तैयारी करने लगते हैं उसके 6 महीने के अंदर अंदर यदि आप बहुत अच्छे से तैयारी करके और सेलेक्ट हो जाते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए
सबसे पहले सबसे बढ़िया जो फायदा है हमें सेना भर्ती एग्जाम की तैयारी करने का, वो सबसे पहला फायदा तो है कि मिनिमम टाइम, एक मिनिमम टाइम कंजम्पशन होता है, एक बहुत ही छोटे से टाइम टाइम फ्रेम में आपकी जॉब लगती है। उसके बाद दूसरी बात है कि शेड्यूल, यानी जो शेड्यूल है एग्जामिनेशन का, जो टाइम टेबल है एग्जामिनेशन का, वो इतना सटीक और इतना बेहतरीन है कि आपको जिस दिन से फॉर्म निकला है उसके बाद, यदि आप इस कोरोना काल को छोड़ दें तो आर्मी में आप देख लीजिए, एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी की किसी भी भर्ती में किसी भी प्रकार का डिले नहीं होता, वैकेंसी आनी आनी होती है। और 12वीं के बाद एक ऐसा सुनहरा, इतना सुनहरा अवसर जो होता है भारतीय सेना ज्वाइन करने का कि आपको 6 महीने के अंदर नौकरी लग जाती है। देखिए सबसे पहली जरूरत होती है कि जिन लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, यानी कि जो 5 साल 6 साल 7 साल उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो ठीक है, IIT JEE NEET वो करें। लेकिन यदि आपको 6 महीने के अंदर बहुत अच्छी जॉब चाहिए, एक सिक्योर जॉब चाहिए, और आपको एक बात सबसे बेहतरीन बात आपको पता होगी कि पूरे हिंदुस्तान में पेंशन सिर्फ डिफेंस के जो फोर्सेज के जो सोल्जर्स होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो आप मेडिकली पूरी तरह कवर होते हैं, आपके आपकी पूरी फैमिली मेडिकली पूरी तरह कवर होती है, और जितने भी पोस्ट होती है उनमें बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ट्रेन किया जाता है। तो सोशल लाइफ के साथ आपकी मेंटली आप फिट रहते हैं, फिजिकली आप फिट रहते हैं। ओके, तो दोस्तों इनका जो सिलेबस है, यदि हम लोग सिलेबस की बात करें तो इनके सिलेबस में देखिए, आपको यदि आप नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको हल्की सी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, जस्ट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, बेसिकली ब्रीफ आपको इंग्लिश, यानी आपको इंट्रोडक्शन और आपको नॉर्मली जो अपने जो आम बोलचाल की भाषा में यदि आप इंग्लिश बोल पाते हैं नॉर्मल तरीके से, ये ग्रुप डिस्कशन में होता है, बाकी आपका मेडिकल होता है, उसके बाद एक आपका एग्जाम होता है। एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। यदि मैं NDA की बात करूँ तो NDA का जो एग्जाम होता है वो IIT JEE Main जिसे आप कहते हैं, JEE Main तक का आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप जैसे ही NDA की प्रिपरेशन कम्प्लीटली कर लेते हैं, उसके बाद में NDA का जैसे एग्जाम आप प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद में नेवी में आपके पास बहुत अच्छा ऑफर है, उसके बाद एयरफोर्स में बहुत अच्छा है, और उसके बाद में आर्मी की जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वैकेंसीज हैं उनके लिए आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प होता है। तो दोस्तों आप RCI डिफेंस अकेडमी बानसूर को ज्वाइन करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। देखिए मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा लगभग 9 साल का अनुभव है डिफेंस अकेडमी में, तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। जब भी मैं डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स पे जाता हूँ मुझे मिलते हैं, लगभग मैंने सीकर जयपुर चंडीगढ़ दिल्ली लगभग सभी इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, और इतना बढ़िया तरीके, इतना अच्छा एक सुनहरा अवसर है आपके पास कोरोना काल के बाद कि आपके बानसूर कस्बे में RCI डिफेंस अकेडमी आपको भारतीय सेना ज्वाइन करने के तमाम तरीके के अवसर प्रदान करती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।